नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर प्रेम मेडिसिन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूट्रोजेम प्लस के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन सिरप है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसका उपयोग किन किन समस्याओं के लिए किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में और इनको साइड इफेक्ट के बारे में। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको न्यूट्रोजेम सिरप के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो इसमें अल्फा एमिलेज और पेप्सिन मिलाया गया है। तो आइए जानते हैं न्यूट्रोजेम सिरप के बारे में, इनका उपयोग किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो दोस्तों, इनका उपयोग अपच की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब भोजन शरीर में अच्छी तरह से नहीं पच पाता है तो इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जब भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है तो इसका कई अन्य प्रकार की समस्याएं भी होती है, जैसे पेट में गैस बनना, खट्टी मीठी ढकारे आना, इसके अलावा खून में कमी होना, कमजोरी होना, ये सब समस्याएं भी होती है। क्योंकि भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता है तो इस सिरप का उपयोग करने से ये सब समस्याएं नहीं आती है, और अपच के कारण जो भी समस्याएं आती है उस सब को भी काफी अच्छे से ठीक करती है। तो अब जानते हैं इसके खुराक के बारे में। तो इसका सेवन है 10 से 15 ml दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल खाना खाने के लगभग 10 मिनट बाद करना होता है, लेकिन इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। वैसे तो कहा जाए इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं, और साइड इफेक्ट होते हैं तो पेट में दर्द, पेट में जलन और गला सूखना, अगर इस तरह की समस्याएं आती है तो डॉक्टर से उपचार जरूर ले लें। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल डॉक्टर प्रेम मेडिसिन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस तरह की समस्याओं के बारे में जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।